क्राइम पेट्रोल के माध्यम से जहां एक तरफ हमने अपने व्यूवर्स को सतर्क रहने की हिदायत दी है, वहीं दूसरी तरफ उन परिस्थितियों और साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश की है जो एक इंसान को अपराध करने के लिए उत्साहित करती हैं या फिर मजबूर करती हैं। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले 30 दिनों तक कुछ ऐसे यूनिक केसेस आपके सामने लेकर आएंगे जिन्होंने हमारे समाज और अपराध की एक नई परिभाषा गढ़ दी। इस बात पर रोशनी डालने और अपना अनुभव बांटने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन शम्स ताहिर खान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं शम्स ताहिर खान क्राइम पेट्रोल सतर्क में लेके आ रहा हूँ अगले एक महीने में कुछ ऐसे अनसुने केसेस जो मुझे लगता है आपको देखना चाहिए। पैट्रियार्की, पितृसत्ता यानी मेल डोमिनेंस, ये हमारे समाज का काला सच जो औरतों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले बढ़ते अपराध की एक बड़ी वजह है। रेप अपने आप में एक घिनौना अपराध है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब रेप की खबरें हमारे सामने ना आती। लेकिन अब बात सिर्फ रेप तक नहीं है, अब रेप के दौरान महिलाओं और लड़कियों के साथ जिस तरीके के जुल्म ढाए जाते हैं, उन्हें नोचा खसोटा जाता है, उनके अंदरूनी अंगों को जख्मी किया जाता है, ये एक नया चलन है। कैसी विभत्स मानसिकता है ये, क्यों समाज में ऐसे घिनौने अपराध पड़ रहे हैं? क्या ये हिलती हुई पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता की वजह से है, या एज ए सोसाइटी हम महिलाओं को बराबरी और आजादी की जो सोच है वो कुछ छोटी सोच के मर्दों को नागवार है और इसी वजह से ऐसे केस बेशुमार है। ये केस मैं आप तक इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि इस केस ने पूरे देश को छकछोर कर रख दिया था। मीडिया, पुलिस, प्रशासन सभी सकते में थे। नेशनल इशू बन चुका है। उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश ने दुआएं मांगी, पर एक बेहद गंभीर और सोचने वाली बात यह है कि तमाम ऐसी मीडिया कवरेज और पुलिस एक्शन के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा और आजादी आज भी ताक पर है। सिद्धार्थ, ये गलत फॉर्मूला है। अगर एग्जाम में तुम ये अप्लाई करोगे ना तो नंबर की जगह अंडा मिलेगा। विनीत, जाओ मुंह धोकर आओ, क्लास स्टार्ट हुई नहीं कि तुम्हें नींद आने लगी। अरे रूही दीदी, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, विनी का नहीं। और वैसे भी क्लास स्टार्ट हो गए आधा घंटा हो चुका है और आपको पता भी नहीं चला। ओके, आई नो तुम सब लोगों को ब्रेक चाहिए ना, इसीलिए सब लोग एक ही सुर में बात कर रहे हो। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक मैं भी एक कॉफी पी लेती हूँ। 15 मिनट बाद मिलते हैं। अरे बिटिया कुछ नहीं, वो दाल निकालने के लिए ऊपर उठे थे, कैबिनेट खुला हुआ था उसी से बच गए। तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। अरे अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा, कुछ लगाना पड़ेगा इसमें। चलिए चलिए, आप ठीक हो जाएगा। कहाँ चलिए, डर्ट कहाँ ना चलिए, चलिए मैं कुछ लगाती हूँ इस पे। चलिए उठिए आराम से। डर्ट आप भी ना बैठे बिठाए अपना सर फोड़ लिया। संभाल के। सॉरी सॉरी डर्ट, बस 2 मिनट। लक्ष्मण, छुपने से कोई फायदा नहीं है, मैंने देख लिया है तुम्हें। आओ लक्ष्मण, क्लास क्यों नहीं आया आज तुम? वो मेहमान आने वाले हैं, तो मालकिन ने पूरा घर साफ करवाया, वहीं देर हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन होमवर्क तो किया है ना? हाँ, पर जल्दी जल्दी में किया है, ठीक से किया है कि नहीं वो भी नहीं पता, इसलिए चुप रहा था। अरे बुद्धू, लाओ मुझे 2 कॉपी, मैं देख के बता देती हूँ होमवर्क सही किया या नहीं किया। कल का होमवर्क भी तो देना है तुम्हें। रुई बिटिया, ये आपकी कॉफी। थैंक यू डैड। लक्ष्मण, जब तक बिटिया तुम्हारी कॉपी चेक कर रही है ना, तुम यहाँ बैठ के सब्जी काटने में हमारा हाथ बटाओगे। ठीक है श्याम भाई। लक्ष्मण, ये तुम्हारा इनाम, क्योंकि तुमने जल्दी जल्दी में भी बिल्कुल सही होमवर्क किया है। थैंक यू दीदी। हेलो डर्ट, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो बता के तो जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा का फोन आ गया और पूछेंगे कहाँ गई है, तो मैं क्या बताऊंगा। प्लीज डर्ट,
आपको लगता है वो पूछेंगे, और वो भी काम के बीच में से फोन करके पूछेंगे। बिजनेस में लॉस नहीं हो जाएगा उनका। आती हूँ। इतने से खांसी थी मम्मी को, कब से बोल रहा था टेस्ट करा लो, पर सुनती कहाँ है। आज सुबह खांसी में मुँह से ब्लड आया, हॉस्पिटल लेकर भागा, टेस्ट कराया तो पता चला उन्हें टीबी है, वो भी लास्ट स्टेज। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक काम करो, तुम ये रखो और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू रूही, पर इतने से कुछ नहीं होने वाला, लंबी ट्रीटमेंट चलेगी। अभी ये रखो, फिर हम देखते हैं, मैं कुछ अरेंज कर लूँगी। अभी तुम आंटी के पास जाओ और उनका ख्याल रखो, अपना भी। ठीक है। और सुनो, ये तुम्हारी आंखें इतनी रेड रेड सी क्यों लग रही हैं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो रात भर सोया नहीं ना, हॉस्पिटल में था तो थक गया हूँ। मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है हॉस्पिटल के लिए। ठीक है। हाँ रूही, बोल। हाय अलीशा, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस अभी जस्ट कॉलेज से आई, लंच बना रही थी। तूने बताया ही नहीं, तेरा असाइनमेंट कैसा था? अरे बहुत ही अच्छा, तेरे नोट्स इतने क्लियर होते ना, मुझे सब समझ में आ जाता है। मुझे तो लगता है कि वो खड़ूस मिसेस सचदेवा की जगह तुझे प्रोफेसर होना चाहिए। अलीशा, वो गुरु है हमारी, गुरु को गाली नहीं देते। अच्छा चल ठीक है, रखती हूँ, है ना, बाय। हाँ चल बाय। डर्ट्स, मॉम डैड का कॉल आया, बताया उन्होंने वो कब तक आएंगे। अरे बिटिया, बार बार एक ही बात पूछने से बात बदल थोड़ी जाएगी, हैं? आ जाएंगे जब उनको आना होगा, तुम थक गई होगी, जाके सो जाओ। नहीं डर्ट्स, दो दिन हो गए मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, आज तो मैं तभी सोऊंगी जब वो आ जाएंगे, तब तक हॉल में बैठ के टीवी देखती हूँ। प्रतीश प्लीज, गलती तुम्हारी थी, हर्ष तुम्हारी वजह से ना ये डील गई हमारे हाथ से। Why are you blaming me? बताओ मुझे। शाम, शाम। मम्मा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। Not right now, रूही। मैं ऑलरेडी लेट हूँ। शाम को बात करते हैं। प्रतीश जल्दी करो, क्लाइंट वेट कर रहा होगा। मैडम, वो डिनर में क्या बनाना है? रूही बता देगी, और हम लोग बाहर से खाना खा कर आएंगे। रूही, योर पॉकेट। पर डैड, वो डैड, आप ठीक हो ना? कल रात को जो कुछ भी हुआ उस बात से आप बहुत परेशान होगे ना? नहीं बेटा, रूही माँ की हालत बहुत खराब है, कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन चाहिए, 10,000 के आएंगे, पता नहीं कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे। अब मैं हूँ ना, मैं आ रही हूँ। अरे रूही, क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मम्मी पापा से झगड़ा हो गया? ये क्या है रूही, तुम जैसा सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस दोस्तों के साथ में। यही है ना वो मेडिसिन और इंजेक्शन जिसके लिए तुम्हें मुझसे 10,000 चाहिए थे। मम्मी की बीमारी का झूठ बोल के मैं तुमसे पैसा लूंगा? वो बिल्कुल ठीक है, मेरी अभी उनसे बात हुई, और तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि उनका बेटा ड्रग्स लेने के लिए उन्हें हॉस्पिटल तो क्या मौत के कगार तक पहुंचा चुका है। मेरी बात सुनो, मुझे भरोसा करो, मैं ऐसा नहीं हूँ। रूही, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे। मनीष, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मनीष,
उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, सर पर चोट के निशान और पेट पर 3 बार चाकू से वार किया गया है। सर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रेप हुआ है और वो भी बहुत ब्रूटली, और सर प्राइवेट पार्ट पर बहुत गहरे चोट के निशान है। सर हम रेस्टोरों के बिजनेस में, कल शाम को शरण मिसेस बैनर्जी के यहाँ पर थे, उनकी बिजनेस में पार्टनरशिप की डील के बारे में डिस्कशन चल रहा था। वहाँ से लौटते लौटते हमें सुबह के 4 बज गए। सर जैसे ही हम घर में घुसे, हमने देखा रूही के कमरे का दरवाजा खुला है। रूही हमेशा ना अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोती थी। रूही, 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 क्या हुआ सर? सर किचन में ये फोन पड़ा मिला। किसे पहचानते हैं? नहीं सर, हम में से किसी का नहीं है। चल, ये देखिए, ये कहाँ मिला? इस सर्वेंट के रूम में। मैंने कहा था ना, ये इसने मारा। छोड़िए इसे। क्या मारा? रूही बिटिया को नहीं मारा है साहब। रूही बिटिया बिल्कुल मेरी अपनी बिटिया जैसी थी साहब। तूने नहीं मारा तो फिर ये चाकू तेरे रूम में क्या कर रहा था? मुझे नहीं मालूम है साहब, मेरे गली से चाकू से बिटिया को पपीता काट कर दिया था और यही फल की टोकरी में रख दिया था साहब। ये आपके किचन का चाकू है और ये फोन, फोन किसका है? ये लक्ष्मण का है साहब। कौन लक्ष्मण? यही सामने के बंगले पे वो संधु साहब के यहाँ काम करता है और पास की झुग्गी झोपड़ी में रहता है साहब। रूही बिटिया किसे फ्री में पढ़ने के लिए आया करता था, दिन में काम करता है इसलिए रात को पढ़ने के लिए आता था वो यहाँ। कल रात को भी वो यही था, रूही बिटिया के कमरे में कंप्यूटर सीख रहा था साहब। और वो घर कब गया था? नहीं मालूम साहब, मैं 11 बजे सो गया था तब वो बिटिया के साथ कमरे में ही था। ये भी तो हो सकता है कि तेरे जाने के बाद उसी ने रूही के साथ जबरदस्ती की हो। लक्ष्मण, लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो तुम? लक्ष्मण मैंने कहा छोड़ो, तुम बदतमीजी कर, लक्ष्मण मैं शोर मचा दूंगी। अब आप कह रहे हैं तो साहब, लेकिन लक्ष्मण ऐसा लड़का नहीं है साहब। ऐसा लड़का नहीं है तो कैसा लड़का है? हाँ, और अगर उसने नहीं किया है तो तूने किया होगा, क्योंकि मिस्टर और मिसेस टंडन के आने तक तुम दोनों रूही के साथ थे। मेरी बिटिया की दुर्दशा साहब, मैं उसे नहीं मारा। इसके फिंगरप्रिंट्स लो और चाकू से मैच करने के लिए फोरेंसिक भेजो। उस लक्ष्मण को उठाओ और इसको मर्डर के सस्पेशन में अंदर करो। पिछली रात रूही टंडन 17 साल की एक मासूम लड़की का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस को शक है कि रूही के साथ रेप भी हुआ है। अब यह किसने किया और क्यों किया, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। मगर एक बड़ा सवाल, रूही का रेप और कत्ल घर के अंदर हुआ। रूही चीखी होगी, चिल्लाई होगी, फिर घर में मौजूद नौकर श्याम ने उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? आस पड़ोस तक उसकी चीख की आवाज क्यों नहीं पहुंची? या फिर लोगों ने चीख की आवाज सुनकर उसे अनसुना कर दिया? सवाल यह भी कि यह कत्ल और रेप क्या प्लान था या फिर अचानक हुआ? लक्ष्मण कह रहे ये बाजू वाले खुले में साहब उधर, लेकिन वो घर पे नहीं साहब। कहाँ गए? कल सुबह 10 बजे काम पे गया था, तब से घर नहीं आया साहब। काम करता? हाँ मैडम, लक्ष्मण कल काम पे आया था पर वो काम खत्म करके रात 9 बजे मिस्टर टंडन के यहाँ चला गया। मिश्रा पक्की बात है कि लक्ष्मण गायब नहीं हुआ, फरार हो गया।
मिश्रा इसके नाम को बोलो जारी करो। जी सर। लेकिन सर आस पड़ोस से पता चला है कि ये लक्ष्मण बहुत ही कम बोलने वाला सीधा साधा मेहनती लड़का था। मिश्रा चुप रहना और मेहनती होना इनोसेंट होने की निशानी नहीं है। अपने करियर में बहुत सारे क्रिमिनल देखे हैं मैंने जो दिखते सीधे हैं लेकिन होते बहुत टेढ़े हैं। रूही के लैपटॉप या मोबाइल से कुछ मिला? सर रूही के लैपटॉप से पता चला कि वो बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन देती थी और जितने पैसों की ट्रांजैक्शन उसके बैंक अकाउंट से होती लगता नहीं कि वो सिर्फ ट्यूशन फीस थी। मतलब सर रूही के पेरेंट्स उसे अच्छी खासी पॉकेट मनी देते थे, उनके बैंक में अच्छी खासी रकम भी शो रही है और फोन में पैसे क्रेडिट होने के मैसेजेस भी मिले। सर एक दिन में 20,000 रुपए निकाले गए और कैश में अच्छी खासी रकम भी निकाली गई। हर दूसरे दिन इतने पैसे क्यों निकाल रही थी? पार्टी वार्टी करने के लिए? कहीं ड्रग्स का चक्कर तो नहीं? सर रूही को नहीं, लेकिन मैसेजेस से पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड मनीष को ड्रग्स की लत, पैसों की कमी है या माँ हॉस्पिटल में है, ऐसे झूठ बोल के रूही से पैसे लिया करता। जब रूही को इस बारे में पता चला उसने ब्रेक ऑफ कर लिया और उसे पैसे देने भी बंद कर दिए। लेकिन सर मनीष फिर भी रूही से पैसे ऐंठने की पूरी कोशिश करता था। और ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद मनीष अब तक पूछताछ के लिए हमारे लॉकअप में क्यों नहीं? सर एक्चुअली जिस रात रूही का मर्डर हो उसी रात मनीष को ड्रग के ओवरडोज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन मंगा ली। मनीष से मिलते हैं और देखते हैं ये क्या बोलता है, शायद रिकॉर्ड्स की जरूरत ही ना पड़े। सर नहीं सर, मैंने रूही को नहीं मारा, मैं तो उसे प्यार करता था। हाँ मैं मानता हूँ ड्रग्स के लिए मैं उससे पैसे लेता था लेकिन उसे मारने का कभी सोच भी नहीं सकता। एक्चुअली उस दिन मैं उसे बहुत मिस कर रहा था इसीलिए मैंने ओवरडोज ले लिया। सच ये है कि तू रूही के घर गया, उसका रेप किया और उसके बाद उसे मार दिया और अपने घर वापस आकर अपना बदला पूरा होने की खुशी में ओवरडोज ले लिया? नहीं सर, मम्मी की कसम सर इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, ना मैं उसके घर गया ना मैंने उसे मारा है सर। वो हम पता लगा ही लेंगे, उसको यहाँ रिहैब सेंटर में कस्टडी में रखो। मतलब रूही शायद अनजाने में मनीष की ड्रग्स की आदत को सपोर्ट कर रही थी या फिर शायद उसे भी ड्रग्स की लत थी। सर पूछताछ तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। रूही के फ्रेंड्स प्रोफेसर या रिलेटिव्स उनका यही कहना है कि बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसका इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ाई और सोशल सर्विस में था। जी सर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही कंफर्म हुआ है कि रूही ड्रग्स नहीं लेती, पर यह भी पता चला कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था जैसे हमें क्राइम सीन पे लगा था क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। सर उसके बॉडी पे, कपड़ों पे, बेडशीट पे कहीं भी कोई सीमेंट ट्रेसेस या कोई लुब्रिकेंट के सैंपल्स नहीं मिले। कोई हार्ड स्टिक या रॉड जैसी किसी चीज़ को इंसर्ट करके उसके प्राइवेट पार्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। सर उसकी मौत 10 फरवरी की रात 11 से 2 के बीच हुई और मौत की वजह चाकू से वार। सर टंडल फैमिली के पड़ोसी संदीप जैन आपसे मिलना चाहते हैं। सर मैं टंडन फैमिली के पास वाले घर में रहता हूँ। लास्ट वीक जब मैं देर रात तक कुछ काम कर रहा था तो टंडन के यहाँ से मुझे अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने सुना कि मिस्टर और मिसेस टंडन अपने सर्वेंट शाम के ऊपर चिल्ला रहे थे कि वो रूही के साथ कुछ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था जब वो सो रही थी। जैन साहब आप, अरे क्या हुआ टंडन साहब, आपके घर से इतना शोर आ रहा है, सब ठीक है ना? जी वो संदीप जी, जी बिल्कुल ठीक है, I'm so sorry, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब हुआ, आप जाइए आराम से सो जाइए, अभी कोई आवाज नहीं आएगी आपको। आपने सिर्फ सुना था या आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? सर मैं कुछ बोल नहीं सकता पर जो एक नौकर और मालिक के बीच में फर्क होना चाहिए ना वो मुझे रूही और शाम के बीच में कभी दिखाई नहीं। इनफैक्ट रूही शाम से कुछ ज्यादा ही फ्रेंक थी। मिस्टर और मिसेस टंडन दोनों बहुत मनी माइंडेड हैं, पैसे के पीछे भागने वाले, लेट नाइट पार्टीज करने वाले और भी जाने क्या क्या बकवास। बकवास मतलब साफ साफ बताइए। सर मैंने बहुत गलत गलत बातें सुनी हैं उनके बारे में कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली पता नहीं लेकिन आई थिंक उस दिन भी वो ऐसी किसी पार्टी में थे। मिश्रा पता करो मिस्टर और मिसेस टंडन उस रात कहाँ थे और क्या कर रहे थे। सर सर जिस रात रूही का मर्डर हुआ उस रात मिस्टर एंड मिसेस टंडन प्रमिला और प्रकाश बैनर्जी के घर पे और वहाँ वाइस स्वैपिंग जैसे कुछ होने वाला था। सर बैनर्जी के बेटे नील ने रूही को सोशल मीडिया पे वार्निंग भेजी थी कि वो अपने माँ बाप को फ़ोन करके समझा दे क्योंकि उसके माँ बाप मिस्टर एंड मिसेस बैनर्जी को कोई गंदा गेम खेलने के लिए फोर्स कर रहे हैं और अगर रूही ने ऐसा नहीं किया तो उसकी कीमत रूही को चुकानी पड़े। और सर उसके बाद देर रात मिसेस टंडन मिस्टर बैनर्जी के साथ अकेले कहीं बाहर गई। मैंने बताया ना आपको इंस्पेक्टर की बिजनेस मीटिंग थी। मीटिंग घर पे और वो भी इतना लेट नाइट तक। हमने बताया आपको कि हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस है और मिस्टर एंड मिसेस बैनर्जी हमसे सिर्फ उसी सिलसिले में मिले थे, उनका बिजनेस लॉस में जा रहा था और वो चाहते थे कि वो हमारे साथ पार्टनरशिप में डील करें जिसके लिए मिस्टर टंडन को मिसेस बैनर्जी के साथ घर में रुकना पड़ा अकेले।
और आपको मिस्टर बैनर्जी के साथ अकेले बाहर जाना पड़ा। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर, उनके घर में वाइन खत्म हो गई थी इसलिए मैं मिस्टर बैनर्जी के साथ वाइन लेने गई थी। और आप अभी फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपने ये पता लगाया कि शाम के रूम में वो चाकू कहाँ से आया? ये पता लगाया कि मेरी बेटी का मर्डर किसने किया? वो सब भी पता चल जाएगा, हमें अपना काम सिखाने की कोशिश मत कीजिए। पता चल जाएगा मतलब? मैं आपको बोल रही हूँ ना, शाम ने ही मारा है रूही को। मैंने कुछ दिन पहले भी नोटिस किया था, शाम मेरी बेटी को मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और हमने रंगे हाथों पकड़ा था उसको। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही के पास जाने की? नहीं नहीं मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। बिटिया टीवी देखते हुए हॉल में सो गई थी तो हम उनको लाके यहाँ सुना रहे थे। शट अप! हमने अपनी आंखों से देखा है कि तुम क्या कर रहे थे। वो सो रही थी और तुम उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं साहब, नहीं। मॉम, डैड, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? डॉट्स पे इतने घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता है रूही, हमने अपनी आंखों से देखा है कि क्या करने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं मैडम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं मॉम। सर, शोर सुनकर मिस्टर जैन आधी रात को हमारे घर आ गए, तो जैसे तैसे हमने उन्हें सॉरी बोलकर वापस घर भेज दिया। उस रात मुझे शाम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं उसे आधी रात को घर से बाहर निकाल देता, लेकिन रूही ने मेरी एक बात नहीं सुनी। रूही ये मानने को तैयार नहीं थी कि शाम ऐसा कर सकता है। एक्चुअली पता है, किसी की गलती नहीं है, गलती हमारी। ऐसे ऐसे छोटे लोगों के साथ हमने हमारी बेटी को मिलने दिया। आई एम श्योर सर, ये लक्ष्मण है ना, ये मेरी बेटी के मर्डर में इन्वॉल्व है, इसीलिए वो गायब है। प्लीज उसे ढूंढिए, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। सर, सर शाम पे सभी ट्रिक्स अपना लिए, लेकिन वो अपने बयान से हल नहीं रहा कि उसने रूही का मर्डर नहीं किया, अपनी बेटी की तरह मानता था। ये उसे अपनी बेटी बता रहा और बेटी के असली माँ बाप नौकर और बेटी के अफेयर की बात कर रहे हैं। मुझे लगा ऐसा तो नहीं है कि ये वाइस शॉपिंग वाली बात छुपाने के लिए ये लोग ये सब बोल रहे हैं। सर पॉसिबल तो है, जिस रात रूही का मर्डर हुआ उस रात टंडन की मोबाइल की लोकेशन बैनर्जी के घर की थी, और देर रात मिसिस टंडन और मिस्टर बैनर्जी की मोबाइल की लोकेशन मूव होते हुए वाइन शॉप वाले एरिया पे जाती है, पर उस वक्त वाइन शॉप बंद होता है, तो पॉसिबल है कि वो लोग वाइन शॉप नहीं उसके बाजू में जो लॉज है वहाँ गए। लेकिन सर फिर भी इस सब का रूही के मर्डर के साथ क्या कनेक्शन? शायद हो भी सकता है, नील ने रूही को वार्निंग दी थी कि अपने माँ बाप को रोक ले वरना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद यही वो कीमत है। सर, नील की मोबाइल लोकेशन आ गई, उसके मुताबिक मर्डर वाली रात रात 11 बजे नील रूही के घर के पास ही था। तूने रूही को वार्निंग दी थी ना कि अपने माँ बाप को रोक ले, नहीं तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने ऐसा नहीं किया और तूने उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हो, मैंने उसको मैसेज जरूर किया था पर उसका मर्डर नहीं किया। मोबाइल लोकेशन में साफ दिख रहा है कि तू उसके घर गया था, अब अगर मारने नहीं गया था तो फिर और क्यों गया था? सर मैं वहाँ पे उसे सिर्फ बात करने गया था, और मैं जैसे उसके घर में पहुंचा मुझे मॉम का फोन है और मुझे मॉम ने बोला कि बेटा तू जैसा समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं वहां से चुपचाप अपने घर आ गया था सर। जैसा ये सोच रहा है वैसा नहीं था, तो फिर कैसा था? सर हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस लॉस में चल रहा था, और जब बिजनेस बढ़ाने के लिए मिस्टर एंड मिसेस टंडन ने हमें पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया, हम लोगों ने इंटरेस्ट लिया, लेकिन बाद में वो हमारा माइंड वॉश करने लग गए वाइफ स्वैपिंग के लिए, और फिर सर उसके बाद तो लिटरली उन्होंने हमें मनाना शुरू कर दिया वाइफ्स की अदला बदली के लिए, और एक दिन तो हद होगी जब मिसेस टंडन मुझे वाइन के बहाने बाहर ले गई। और सर यहाँ प्रतीश मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। प्रमिला जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। बिल्कुल दिखाइए। क्या है कि हम अपना रेस्टोरेंट कैसे चलाएंगे? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी है? और जब मैंने उन्हें कहा कि अगर वो इस तरह से रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं तो हम अपना रेस्टोरेंट बंद रखना ज्यादा पसंद करेंगे, और जब हमने उनकी शर्तें नहीं मानी तो वो दोनों अपना मूड खराब करके तकरीबन सुबह 4 बजे तक हमारे घर से चले गए। आप रूही के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या फिर हमें बदनाम करने की कोशिश? इतना घटिया वाइफ शॉपिंग का इल्जाम? ये इल्जाम हमने नहीं, मिस्टर एंड मिसेस बैनर्जी ने लगाया आप दोनों पे। अगर उन्होंने भी लगाया ना तो भी हम इसे मानने से डिनाय करते हैं। कहा था ना मैंने आपसे कि ये कपल भरोसे के लायक नहीं है। कैसा भरोसा? पार्टनरशिप में परसेंटेज को लेकर हर वक्त नई बात रखते थे। मैंने कहा था प्रतीश से कि पैसा लगाने से पहले सब कुछ कंफर्म कर लो, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। और अब जब इतना पैसा लगा चुके हम तो वो इस डील को कैंसिल करने के बहाने ढूंढने के लिए हम पर ये इतना घटिया वाइफ स्वैपिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। सर आपके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है,
जिससे अक्सर आपकी बातें होती हैं, किसका नंबर है? ये तो हमारे बेटे जय का नंबर है। कहाँ है, बुलाइए उसे। अब सर वो एक्चुअली यहाँ नहीं रहता है, वो नोएडा में हॉस्टल में रहता है। वो उसका कॉलेज एक्चुअली वहाँ से पास है इसलिए। यानी वो घर आता ही नहीं? नहीं, इतना कुछ हो गया और दिखाई नहीं दिया। नहीं सर, वो उसके एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए। और अभी वो रूही के क्रिमेशन पर आया था फिर चला गया। उसके हॉस्टल का एड्रेस दीजिए। सेक्स और ड्रग्स, ये दोनों ही आजकल मॉडर्न रिच लाइफ स्टाइल का खिलौना सच। और वाइफ स्वैपिंग, इसका एक नया एंगल। मिस्टर प्रतीश टंडन और मिसेज माया टंडन, इन दोनों पर भी वाइफ स्वैपिंग के इल्जाम लगे, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। टंडन का देर से घर आना और अपने बच्चों के साथ वक्त न बिताने के पीछे क्या यही वजह थी? और क्या इसी वजह से रूही का श्याम और लक्ष्मण के साथ लगाव पैदा हुआ, जिसे कुछ लोगों ने गलत मान लिया और शायद रूही की मौत की वजह यही बनी? तुम्हें नहीं लगता ऐसे टाइम में तुम्हें अपने मां बाप के साथ होना चाहिए? सर मैंने मॉम को बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि एग्जाम के टाइम तुम्हें डिस्टर्ब होगा वहां पे, इसलिए तुम वहीं रुक जाओ। वैसे नोएडा इतना दूर नहीं है दिल्ली से कि एग्जाम देने नहीं जा सकते। क्या 10 तारीख को रात को 11 से 2 के बीच में कहाँ थे? हॉस्टल में अपने रूम में था, पढ़ाई कर रहा था। कोई और है जो तुम्हारी इस बात को कंफर्म कर सके? हाँ सर, हमारे हॉस्टल के जो वार्डन है बलविंदर सिंह, आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। मिश्रा, अर्जेंट बेसिस पर इस जगह के कॉल लोकेशन और मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाओ। जी सर, लेकिन सर मुझे अब भी लगता है कि ये मर्डर मिस्टर मिसेज टंडन या फिर शाम ने लक्ष्मण के साथ मिलकर किया। मिश्रा चल शुरू हो जा बोलना। आपको जितना मारना है मार लो साहब, पर फिर भी मैं वही कहूंगा कि मैंने रूही मीडिया के साथ कुछ भी नहीं किया है। 17 साल मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, प्यार से मुझे डट्स कह के बुलाती थी। डट्स? अरे क्या क्या हुआ आपको? पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी शाम से सच उगलवाने की। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शाम के कमरे में मिले चाकू पर जो खून था वो रूही का ही था, लेकिन फिंगरप्रिंट्स 4 लोगों के मिले थे। माया, प्रतीश और शाम की फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो गए थे, लेकिन चौथा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ था। टंडन्स ने फिर लक्ष्मण का ही नाम लिया। 2 दिन तक पुलिस इसी उधेड़बुन में लगी रही कि रूही को आखिर इन चारों में से किसने मारा और लक्ष्मण कहाँ है। सर पर बहुत गहरी चोट का निशान है और पेट में कई बार चाकू से वार किया गया। पहचानते हैं इसे? हाँ सर, ये लक्ष्मण है, लेकिन हमें नहीं पता इसकी बॉडी यहाँ पर कैसे है। सर ये रूम तो हम यूज भी नहीं करते, रेस्टोरेंट का या घर का कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है उसको रखने के लिए हार्डली यूज करते हैं। और शायद इस बार लक्ष्मण की बॉडी रखने के लिए यूज कर लिया। सर अगर हमने लक्ष्मण की बॉडी यहाँ रखी होती तो हम खुद आपको सामने से फोन करके क्यों बताते? ठीक इसीलिए ताकि हम ये सोचें कि आपने अगर बॉडी रखी है तो आप क्यों फोन कर रहे हैं। बहुत पुरानी ट्रिक है, हम बहुत सारे केसेस में और आप लोग बहुत सारी फिल्मों में देख चुके होंगे। आप जैसा सोच रहे हैं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों को तो मैं अपने घर में भी घुसने नहीं देता। ये रूही थी जो सबको सर पे चढ़ा रखा था, ये शाम, ये लक्ष्मण। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरे रूम की अच्छे से तलाशी लो, देखो कोई एविडेंस मिलता है। टंडन दंपत्ति के गैराज से मिली लक्ष्मण की लाश ने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। अब तक पुलिस को सारा शक लक्ष्मण पर ही था, लेकिन अब लक्ष्मण का भी कत्ल हो चुका था, लिहाजा पुलिस के शक की सुई रूही के माता पिता की तरफ घूम जाती है। पर क्या पुलिस इस केस को अब सॉल्व कर पाएगी? मिस कर रही थी ना, सच बोल, कर रही थी ना मिस। ए, हट जा मेरे रास्ते से तुम दोनों। क्या करेगी घर पे जाके? अरे मोर होगी, मैं आऊँ क्या? कंपनी दूंगा तुझे। मेरी चप्पल कंपनी देगी तुम लोगों को। बचाओ! क्या कर रहा है? बचाओ! हेल्प! देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। चल चल, कैसे हो बहन, ठीक है ना? लक्ष्मण जो कि रूही के मर्डर का सस्पेक्ट था, उसकी बॉडी रूही के ही घर के एक स्टोर रूम से मिलती है। अब सवाल यह है कि उसको मारा किसने? शायद शाम ने, क्योंकि लक्ष्मण ने शाम को रूही का रेप और मर्डर करते हुए देख लिया। लेकिन सर शाम को लक्ष्मण की बॉडी स्टोर रूम में रखने की क्या जरूरत थी? ताकि शक मिस्टर और मिसेस टंडन पर आ जाए।
लेकिन एक और पॉसिबिलिटी, शायद मिस्टर एंड मिसेस टंडन ने ही लक्ष्मण को मारा। नील के मैसेजेस से रूही को पता चल गया था कि उसके माँ बाप पार्टी और बिजनेस के लिए क्या क्या करते हैं। हो सकता है कि उस रात जब वो घर पहुँचे हों, रूही ने उन्हें वो मैसेजेस दिखाए हों, कन्फर्म किया हो। बदनामी के डर से टंडन ने पहले रूही को मारा, लक्ष्मण ने ये देख लिया हो, उन्होंने लक्ष्मण को भी मारा। चाकू श्याम के रूम में छुपाया ताकि शक श्याम पर जा सके, और फिर दो दिन बाद बॉडी मिलने का नाटक किया। सर, मनीष ने हमसे झूठ कहा था। जिस रात रूही का मर्डर हुआ उस रात मनीष के मोबाइल की लोकेशन रात 11 से 11:30 के बीच रूही के घर के पास की थी। मनीष, मैं कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना मैं बस एक आखिरी बार 10,000 रुपए दे दो प्लीज। मनीष, मैंने तुमसे कहा ना तुम चले जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी, समझे तुम? और उसके बाद तूने रूही के घर से स्टोर रूम की चाबी चुराई, लक्ष्मण की बॉडी छुपाई, चाबी वहीं रखकर अपने घर आ गया, है ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, मैं मानता हूँ कि पैसे लेने के लिए मैं रूही के घर गया था, लेकिन आप जैसा बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रूही, प्लीज़ एक आखिरी बार मुझसे भरोसा कर लो, मुझे रिहैब सेंटर जाने के लिए 10,000 रुपये चाहिए। रूही, मैं ठीक होना चाहता हूँ, और अब मैं तुमसे ठीक होने के बाद ही मिलूंगा। ठीक है, ये लो और निकलो यहाँ से। देखते हैं बेटा इस बार तेरी कहानी में कितनी सच्चाई है। सर, मोबाइल लोकेशन से तो लग रहा है कि मनीष सच कह रहा है, क्योंकि लोकेशन के मुताबिक मनीष रूही के घर से ड्रग्स लेने गए, वहाँ से अपने घर, और सुबह 6 बजे अस्पताल और 10 बजे रिहैब सेंटर का लोकेशन दिख रहा है। मिश्रा, ये भी हो सकता है कि मनीष ने ही रूही को मारा तो हो तो सकता है। पर हाँ सर, ये लक्ष्मण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसे एड्स था। और सर, लक्ष्मण की मौत भी 10 तारीख की रात को 12 से 2 के बीच हुई, सर पे चोट लगने की वजह से, और फिर उसे स्टैब किया गया। मतलब रूही और लक्ष्मण को मारने वाला एक ही इंसान है, क्योंकि दोनों का मर्डर एकदम सिमिलर तरीके से हुआ। सर, गुलमोहर बाग में एक और लड़की का मर्डर और रेप हुआ, उसके साथ भी रूही की तरह सेम तरीके से ब्रुटैलिटी से मर्डर किया गया। चक्र सर, रूही मर्डर केस की तरह इस बॉडी की भी कंडीशन सेम है। सर, सर पर चोट का निशान है और पेट में 3 बार चाकू से वार किया गया। सर, प्राइवेट पार्ट पर भी चोट का निशान है। रेप हुआ या नहीं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कंफर्म होगा। शीतल जी, आपकी हालत समझते हैं, लेकिन हमें भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। जब ये हुआ आप कहाँ थे? सर, अलीशा 1:30 बजे कॉलेज से घर आती है और मैं ऑफिस से 5:30 बजे अलीशा घर में अकेली ही रहती है, और आज जब मैं घर आई तो सर सोफे के नीचे चाकू मिला। ये आपके घर का चाकू है? हाँ सर। चाकू को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। आपको किसी पर शक है? सर, वो लड़के अलीशा ने उसे कहा था कि जब भी वो कॉलेज से आती थी तो वो लड़के उसका रास्ता रोकते थे। मिस कर रही थी ना, सच बोल, कर रही थी ना, कर रही थी ना मिस? ए, हट जा मेरे रास्ते से तुम दोनों। आप पहचान सकती हो उन लड़कों को? आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? मैंने उन लोगों को वार्निंग दी थी, पर मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। मैंने सोचा वो छोटे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। इन सब लड़कों की डिटेल्स लो और उठाओ सब लोगों। सर, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे उसके साथ, मैं सच कह रहा हूँ, हमने नहीं मारा अलीशा को। सर सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है सर। गलत फहमी मुझे नहीं, आपको हो रही है। आपके बच्चे इतने दिन से एक लड़की को छेड़ रहे थे, आपको पता भी नहीं है? उसी लड़की का मर्डर हुआ है और रेप भी हुआ था। अब 2+2 कुछ समझ में आ रहा है या अभी भी इनकी सफाई देनी है? और तू
आखिरी मौका है सच बोलने का, बोल दे। क्योंकि अगर मैंने सच उगलवाना शुरू किया ना तो तेरा बाप क्या भगवान भी नहीं बचा पाएंगे तुझको। बोल। सर वो अलीशा मुझे बहुत अच्छी लगती थी और ये बात इसे बताते इसलिए ये उसे जानबूझकर चिढ़ाया करता था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी उसे कुछ नहीं कहा। ये बात सही है कि मुझे पता था दिन भर वो अकेली रहती है रूम में, इसलिए मैं जाता था और उसे चुपके चुपके देखता था। सर और कल उसने तुझे देख लिया, तुझे धमकी दी, तुझे गुस्सा आया, तूने उसका रेप किया और मर्डर कर दिया है ना? नहीं सर, मैंने नहीं मारा अनिशा को, और कल तो मैं उसके घर की तरफ गया ही नहीं। इनको बाहर लेकर चलो, इनकी स्टोरी क्रॉस चेक करो। सर चल चल बेटा। अरे आप जबरदस्ती मार बच्चा। इनकी सफाई देने के बजाय अगर टाइम पर इन्हें संस्कार दिए होते ना तो ये नौबत नहीं आती। सर हमने कॉलेज के स्टाफ और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म किया, अर्जुन और उसका दोस्त सच कह रहे हैं, शाम 5 बजे तक वो लोग कॉलेज में ही थे। सर अलीशा के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। सर इसने जानबूझकर फेस पर कपड़ा और सर पर कैप पहनी हुई है। सर किसी भी तरीके से इसका चेहरा पहचानना इम्पॉसिबल है। एक मिनट रिवाइंड कर। प्ले पॉज पॉज ज़ूम करो। शूज़ पे ये शूज़ मैंने पिछले 4-5 दिनों में कहीं देखे हैं, कहीं पर रखे हुए देखे हैं या फिर किसी ने पहने हुए थे। मिश्रा यादव, रूही और अलीशा के मर्डर के जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उनके घरों की फिर से तलाशी लेनी होगी, लेकिन याद रहे कि उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। अलीशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत बिल्कुल रूही के मर्डर की तरह से हुई थी। उसका रेप नहीं हुआ था लेकिन फिर भी उसके अंदरूनी भागों को शत विकसित किया गया था। उसके मर्डर के लिए अलीशा के घर का ही चाकू इस्तेमाल किया गया था जिस पर सिर्फ अलीशा और उसकी माँ शीतल के ही फिंगरप्रिंट्स थे। अलीशा और रूही का क्लासमेट होना इस केस को एक नया एंगल दे रहा था। क्या ये दोनों मौतें एक संयोग थी या फिर लिंक्ड? जूते तो नहीं मिले लेकिन ये फाइल मिली, ये देखिए। तेरे मोबाइल रिकॉर्ड से साफ है कि जब रूही का मर्डर हुआ था तेरी लोकेशन घर पे थी, और जब अलीशा का मर्डर हुआ तो तेरी लोकेशन उसके घर पे थी। बाकी सीसीटीवी फुटेज तुझे दिखाई दिया है। चल अब शुरू हो जा, पता क्यों किया ये सब? हाँ, मुझे प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन था, डॉक्टर ने कहा था कैस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और मेरा प्राइवेट पार्ट काटना पड़ा सर, इसीलिए पुनीता और मेरा कभी सेक्स नहीं हो पाया सर। लेकिन ये बात मैंने पुनीता को कहीं बताई नहीं थी सर, मुझे हमेशा से लगता था कि वो मेरा मजाक ही उड़ाएगी, और फिर मुझे गे सेक्स के बारे में पता चला सर। लक्ष्मण को देखा तो पता चला कि वो भी मेरी ही तरह है, और तब हमारा अफेयर शुरू हो गया था सर। स्टोर रूम की एक्स्ट्रा चाबी हमेशा मेरे पास रहती थी सर, तो सर हॉस्टल से निकलने के बाद मैं हमेशा लक्ष्मण के साथ स्टोर रूम में ही बैठता था सर। मुझे पता था कि वहाँ कभी कोई नॉर्मली आता नहीं, और उस रात लक्ष्मण ने मुझे कॉल करके घर पे बुलाया सर, हम स्टोर रूम में ही मिले थे। ये देख मेरी मेडिकल रिपोर्ट, इसमें लिखा है मुझे एड्स है, तेरे सिवा मैंने किसी के साथ भी नहीं किया है, तूने जानबूझ के बीमारी मुझे दी है, जानबूझ के। तुझे पता था तुझे एड्स है, तुझे पता था मेरे साथ प्यार करने का नाटक किया तूने। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे बारे में सबको बताऊंगा मैं, सबको, मम्मी को, पापा को, सबको, पुलिस तक को बता दूंगा, तू याद रखना। लक्ष्मण सुन यार, तू ऐसे सबको जाके बता देगा तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी यार, प्लीज। तेरी सच्चाई छुपाने के लिए मैं मर जाऊं क्या? तू जो है यार। मेरा दिमाग खराब हो गया था सर, पता नहीं रॉड से खून साफ करने के लिए मैं क्यों घर पे चला गया। जय, तुम इतनी रात को, और ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे मॉम डैड के कमरे में मिली, इसमें लिखा है कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन था, इसीलिए तुम्हारा क्रेस्टेशन कराना पड़ा, शायद इसीलिए पुनीता ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। हाँ काटना पड़ा मुझे,
ना मर दूं ना मैं, यही कहना चाहती हो ना तुम? हाँ मैं पुनीता के साथ कुछ नहीं कर पाया। नहीं भैया, तो बस आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि शायद पुनीता को अगर हम पहले बता देते इस बारे में तो शायद वो इस सिचुएशन को समझ पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे बता देना चाहिए। रोही, कहा था ना फेक सिंपैथी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। बहुत खुशी हो रही थी ना तुझे अपने नॉर्मल और मेरे नामर धोने पर? फिर रूही को मार के मैं चाकू लेके स्टोर रूम में गया। वहां लक्ष्मण को स्टैब करने के बाद मैं वो चाकू लेकर के शाम के रूम में रखाया था ताकि सारा का सारा शक शाम पर जाए। हॉस्टल के रास्ते में मैंने रॉड फेंक दी और अपने रूम में मेडिकल रिपोर्ट छुपा दी थी सर। और अलीशा, उसको क्यों मारा? आपकी इन्वेस्टिगेशंस को डाइवर्ट करने के लिए सर। सर मैंने न्यूज में सुना था कि रूही के केस में मॉम डैड को सस्पेक्ट किया जा रहा है। सर सिर्फ मॉम डैड है जो मुझे अच्छे से समझते हैं। सर मुझे लगा वो फंस जाएंगे, वो मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था सर। मुझे पता था अलीशा दोपहर में अकेले घर पे रहती है, इसीलिए मैं जानबूझकर मुंह छुपा कर गया था ताकि कोई पहचान ना सके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अलीशा मुझे तुमसे रूही के मर्डर से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। हाँ। अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ। हाँ, क्या बोल रहे थे? अलीशा मुझे पता है रूही का मर्डर किसने किया है। किसने किया है? मैंने। हाँ? सर मैंने जानबूझकर अलीशा को रूही की तरह मारा था ताकि इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लगे कि किसी सीरियल किलर का काम है। और इसके बाद भी अगर मेरे मॉम डैड को सस्पेक्ट रखा जाता तो मैं किसी तीसरी लड़की को भी मार देता सर, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था सर। रूही से बात करने का ऑप्शन था तेरे पास? जो लड़की गरीब और मजबूर लोगों की बात समझ के उनकी हेल्प करती थी वो अपने भाई की बात नहीं समझ सकती थी? पर तेरे सर पर तो सनक सवार थी। सिर्फ रूही नहीं, अलीशा, लक्ष्मण सबको मार दिया। किस लिए? ताकि माँ बाप को खोना ना पड़े। और अब तेरे माँ बाप ने तुझे हमेशा के लिए खो दिया। जय टंडन, रूही का भाई और उसका कातिल। कौन सोच सकता था कि रूही को इतनी बेरहमी से मारने वाला उसका अपना भाई होगा? और वजह? क्योंकि वो अपनी चेंज सेक्सुअलिटी और मेल ईगो से डील नहीं कर पा रहा था। लेकिन अपनी सेक्सुअलिटी खुल जाने का डर जय के अंदर इस कदर था कि उसने न सिर्फ अपनी बहन रूही बल्कि मासूम आलिशा को भी मौत के घाट उतार दिया। सेक्सुअल प्रेफरेंस और एक्सेप्टेंस की वजह से आजकल क्राइम रेट और बढ़ गया है। गे लेस्बियन रिलेशनशिप को गलत मानने और इसका मजाक बनाने के डर से लोग मजबूर हो जाते हैं इसे छुपाने के लिए और फिर यहीं पर क्राइम कर बैठते हैं। ऐसे अपराध पर काबू पाना पुलिस का नहीं बल्कि समाज का काम है और ऐसे लोगों का समाज में एक्सेप्टेंस उनका कानूनन हक भी है। अपने बच्चों का ध्यान रखें ये अपने बच्चों के प्रति और समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।